कोरोना वायरस को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान, विदेश मंत्री ने कहा कोई भारतीय छात्र कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर कसा तंज, राहुल गांधी ने कहा पीएम रोजगार के मुद्दे पर क्यों नहीं करते बात, हिंदुस्तान में हिंसा फैल रही है, देश की सरकार। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर खराब हुआ मौसम, कश्मीर में बर्फबारी तो जम्मू में हो रही है बारिश, बर्फबारी और बारिश के कारण हाईवे बंद। दिल्ली के सेशन कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पूर्ण विचार याचिका खारिज की, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की मानहानि के लिए समन को दी गई चुनौती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। बात करते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों की, तो सबसे पहले आपको 5 बड़ी खबरों की तस्वीर दिखा देते हैं। सबसे पहली तस्वीर लद्दाख की है जहां पर लोग हिल काउंसिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की है जहां पीएम मोदी ने दिल्ली में एनसीसी कार्यक्रम में कई सारी बातें कही। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है जहां बर्फबारी और बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है और यातायात भी बाधित हुआ। चौथी तस्वीर राहुल गांधी की है जिन्होंने आज मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और पांचवी और आखिरी तस्वीर सर्जिल इमाम की है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो असम को भारत से अलग करने के भड़काऊ बयान के बाद। सर्जिल ये वो शख्स है जो उस बयान के बाद चर्चा में आया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के जंस्कर की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो हैरान करने वाली है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूटी भी बना दिया गया था, और यूटी बनने के बाद कहा जा रहा था कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सब सामान्य है। लेकिन ये तस्वीर सब सामान्य होने का दावा खोखला साबित कर रही है, क्योंकि आज यूटी बने लद्दाख में हिल काउंसिल के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। बीजेपी के मंत्री जमयाग सैनिंग नामग्याल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई, साथ ही साथ कई बड़े अफसरों के खिलाफ शेम शेम के नारे भी लगे। वजह थी एसडीएम साहब का वहां पे ना होना, क्योंकि जहां लोग नारेबाजी कर रहे थे वहां ना तो सड़कें हैं और ना ही पानी है और ना ही फोन सर्विसेज हैं। कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो वहां पे इस वक्त तक उपलब्ध ही नहीं है, और इंटरनेट सर्विस भी ना के बराबरी है। काफी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट सर्विस हो या फोन सर्विसेज हो, ये वो सर्विसेज हैं जिसका वहां पे लोग अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहे। हालांकि आपको ये बता दें कि वीडियो 2 दिन पुराना है, लेकिन इन लोगों का जो मसला है वो दो दिन पुराना नहीं है, ये मसला सालों पुराना है और ये मसला लगातार मसला ही बना रहा। एसडीएम साहब पूरे 1.5 महीने से वहां गायब हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा, ये वहां के लोगों का कहना है जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया है तब से परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। तो एक तरफ तस्वीर यह है कि एक तरफ वो तस्वीर थी जब संसद में बीजेपी के मंत्री जमयांग सैरिंग नामग्याल ने कहा था कि यूटी के लिए लद्दाख के लोग कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि लद्दाख को यूटी बनाया जाए। लेकिन फिर क्यों ऐसी तस्वीर लद्दाख से सामने आई, ये एक बड़ा सवाल है। संसद में क्या कुछ कहा गया था जमयांग सैरिंग नामग्याल द्वारा, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके बाद इस खबर पर अपने संवाददाता से पूरी जानकारी लेंगे, और स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूरी समस्याओं की जानकारी हमें बताएंगे। पहले आप वो सुनिए जो एमपी साहब ने संसद में कहा था। ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया, मैं करगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं करगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजोरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया, और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो,
हर क्षेत्र में, हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है, और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। भाई साहब, अगर आपको कारगिल देखना है तो जांस्कर जाइए, वाखा मूलबेग शारगोल जाइए, आर्यन बेली जाइए, दर्शिक गरखोन देखिए। 70% कारगिल के एरियाज जो है वहां के लोग जो है आज इस डिसीजन को वेलकम करते हैं। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले ने रेजोल्यूशन पास किया 2011 में, जम्मू कश्मीर के जो झंडा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो कैबिनेट और डिप्टी मिनिस्टर के रैंक के होते हैं उनको उनके गाड़ी को लगता था, हमने उस झंडा को नकारा, हमने नेशनल एम्ब्लेम वाला वहां पे लगाया क्योंकि हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते। ये है लद्दाख। चलिए, जामयांग सारिंग एमपी थे जो, वो आपको सुन रहे थे, वो आपको हम सुना रहे थे क्या कुछ कहा उन्होंने संसद में, क्या कुछ कहा था कि लोग 71 साल से यूटी का वेट कर रहे थे, इस फैसले का स्वागत करते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, आप जंस्कार में जाएं वहां पे देखेंगे वहां पे लोग कैसे रहते हैं। तो ऑल जंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू से हमारे एक इसके प्रेजिडेंट हैं लॉबजैंग स्पेल्डन, जो ऑल जंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू के प्रेजिडेंट हैं, उनसे हम जुड़े हैं, उनसे समझना चाहेंगे क्या परेशानी है। लॉबजैंग, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। लॉबजैंग, आपसे समझना चाहेंगे, एमपी साहब आपके कह रहे थे कि 71 साल से हम यूटी का वेट करें, लोग वहां के बड़े खुश हैं यूटी के दर्जे के बाद, और उसके बाद कुछ समस्याएं, यहां पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनको काफी समस्याएं हैं, वो समस्याएं हम समझना चाहेंगे आपसे, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो लोग वहां पे अभी फेस कर रहे हैं। सर, मेरा यही है कि कहना एमपी साहब ने जो पार्लियामेंट में जो भाषण दिया ना सर जी, वो पूरा कंट्री में पूरा फेमस बनाए, अगर ग्राउंड लेवल पे जो काम होना है वो नहीं हुआ। जिस टाइम पे उसने पार्लियामेंट में वो भाषण दिया पूरा वार्ड में फेमस हुआ, मगर मैं बोलता हूँ कि बोलने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। नहीं, लॉबजेक्ट परेशानी क्या क्या आ रही है, क्या क्या परेशानियों से वहां पे लोग रूबरू कर रहे हैं, क्योंकि लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, और पहले भी तस्वीरें सामने निकल के आई थी कि लोग जनसंकार के लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाँ सर, मेरा कहना यही है कि देख पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जांस्कर वाले ने 100% उसको वोट किया सर जी। अब मेरा यही कहना है कि वो एक बार भी जांस्कर विजिट नहीं किया, वो उसने जांस्कर वाले को धन्यवाद तक भी नहीं दिया, अपना शक्ल तक नहीं दिखाया। आज वो बोलते है कि वहाँ पूरा फॉरेन कंट्री में घूम रहा है एमपी साहब। हमारा समस्या तो यही है कि टेली कम्युनिकेशन का वहां जीरो है सर। हमारा मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, मगर हमारे जांचकर में वहां पे बीएसएनएल नेटवर्क का पहले वो चलता था, 2-3 नेटवर्क है, अभी वो भी ठप हो चुका है। आप यहाँ कारगिल में इंटरनेट चालू कर दिया तो पूरा देश वाला बोल रहा है कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में नेट चला दिया, मगर हमारे जांचकर में कुछ भी नहीं है सर। जो पहले डीएसपी चलता था वो डीएसपी भी हटा लिया गवर्नमेंट ने, एक साल से ज्यादा हो गया सर। जो गांव रूरल एरिया में डीएसपी से यदि किसी को बीमार हो जाते तो कम से कम वहां से गांव से पदुम तक डिलीवर होता था, वो भी हो नहीं पा रहे। अभी तो पूरा एक मंथ हो गया, बीएसएनएल 3 टावर था वो भी ठप हो चुका है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते तो वो बोलते है कि जम्मू से सामान मांगना है, वहां से मांगना है, पता नहीं कब होगा। मगर हमारा एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि किसी को कॉलेज का एडमिशन लेना वो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को रेंट देना, अब जम्मू में रेंट में रह रहे तो घर से पैसा नहीं आ रहा है, स्टूडेंट एसोसिएशन खुद उठाना पड़े सर, हम कितना वो करेगा, हमारे पास स्टूडेंट एसोसिएशन के पास अकाउंट में इतना पैसा तो है नहीं सर। नहीं सर, आजकल वो प्रोटेस्ट में इसलिए आ रहा है कि जांचकर का जेन्युइन डिमांड है कि पूरा जांचकर वाले ने इसलिए वो किया कि हमारा जांचकर को डिस्ट्रिक्ट दे, क्योंकि एक ये ओल्डेस्ट तहसील है सर जांचकर, पूरा 1947 से पहले हमारा जांचकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ होता था पहले सर। स्पाल्डन जो एमपी साहब हैं आपके, वो तो कह रहे कि यूटी का दर्जा मिलने के बाद वहां पे लोग तो बेहद खुश हैं, और उन्होंने आमंत्रित भी किया कि अगर आप कारगिल को देखना चाहते हैं तो जंस्कार पहुंचिए जाके और वहां पे लोगों से मिलिए। सर खुश खुश हो तो फिर वो एमपी साहब हमारे जांचकर में भी विजिट करना चाहिए ना सर,
एक बार भी कदम नहीं रखा सर संस्कार में, वो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता सर, वो खुद बोल रहे ना, बोलने से कुछ नहीं होता, पहले वहां पार्लियामेंट से बोलने में, बोलने से पहले तो संस्कार में एक बार तो विजिट करना चाहिए ना सर। तो स्पाल्डर ने संसद में ये संसद में स्पाल्डर उन्होंने संसद में ये भी कहा था कि कुछ लोग हैं, कुछ मंत्री हैं, वो मिसलीड करते हैं, वहाँ की डेमोग्राफिक सिचुएशन को नहीं जानते, वहाँ की जियोग्राफिक सिचुएशन को नहीं जानते, और दिल्ली में लोगों को बैठ के मिसलीड किया जाता है, दर्शकों देशवासियों को मिसलीड किया जाता है, ये उन्होंने दिया। साथ ही साथ ये भी कहा था कि लोग अब वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब तक जंस्कार गए ही नहीं, कारगिल गए ही नहीं, तो क्या एमपी बनने के बाद स्पाल्डर वो यहाँ पे पहुंचे दौरे के लिए एक बार भी? वही तो सर, दिल्ली में अगर होगा तो खाली एमपी होगा सर, जितना भी दफ्तर का हो या कारगिल का हो या लिंक का हो, कोई मंत्री वहां नहीं है सर। अगर मिस भी करता हो तो एमपी खुद है वहां दिल्ली में, किसको दोषी करेगा सर? मैं तो यही परेशानी से पूछ रहा हूँ एमपी साहब से, सर आप दिल्ली में होगा तो एमपी लद्दाख एक ही बंदे है, वो आप है। अब दिल्ली में कौन मिस कर रहे सर? स्टूडेंट एसोसिएशन को ब्लेम करते तो स्टूडेंट एसोसिएशन जो भी प्रॉब्लम हो तो वो तो उठाना पड़ेगा सर। अच्छा स्पाल्डर, मेरा एक प्रश्न हो रहा है, और कौन कौन सी ऐसी परेशानी है कि आप चाहेंगे जो आपके एमपी साहब तक ये आपकी आवाज पहुंचे, आप जल्द जल्द बता देंगे कौन कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे वहाँ के लोग रूबरू हो रहे हैं? हाँ सर, एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम तो अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। जैसे हमारा घर वाला ठीक है कि नहीं, अभी एक मंथ दो मंथ हो गया सर, घर में बात नहीं हो पा रहे, तो क्या बात सर, घर में कैसा है, किसी को बीमार होगा, आप घर वाले हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होगा, ये सोच रहा कि नींद भी नहीं आता होगा उनको, हम लोगों को नींद नहीं आते, वैसे उनको भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा होगा सर। लॉब्जा अगर हॉस्पिटल की बात करें, लाइट की बात करें, वहाँ पे उस चीज की कैसी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की कैसी व्यवस्था है? अभी सर जो बड़ा है ना, 4 से 5 फुट पड़ा हुआ सर वहाँ पे रोड पे, ना वहाँ बुलडोजर है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे गांव में जो आप लकड़ी वकड़ी सूखा होगा वो जला के बैठते हैं, किसी गांव में तो लाइट भी नहीं है सर। अब आप जैसे आपका स्टूडियो है या एंटी का रूम होगा वहाँ पे एसी वेसी चला हुआ है, हमारे गाँव में क्या है सर, कुछ भी नहीं है। हम उस उम्मीद के साथ एंटी को वोट किया है कि हमारे ये प्रॉब्लम सोल्व हो, मगर वो तो कहाँ सर, अभी तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक बार भी विजिट नहीं किया, हम कैसे अपेक्षा करें एमपी से? और वहाँ मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टर भी नहीं है सर, 4-5 सीटें तो ऐसे खाली पड़ा है, वो कब भरेगा? अगर आपको हॉस्पिटल की कोई सुविधा लेनी होती है, अगर कोई बीमार हो जाता है घर से, तो वहाँ के लोग फिर किस तरीके से मैनेज करते हैं सब कुछ? सर गर्मी में भी जैसे देख नेशनल हाईवे बोलते हैं कारगिल से संस्कार के लिए, वो भी आप जैसे आप प्रैक्टिकली आप आ जाए सर सामर में, आप खुद दे सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे डंपिंग बम्पिंग जैसा पड़ता है कि हम खुद एक दो दिन तक रेस्ट लेना पड़ता है सर। एमपी को भी पता है ये, हर हमारे काउंसलर को पता है, डिस्ट्रिक्ट के डीसी को भी पता है, सीसी को भी पता है कि संस्कार का रोड कैसे हालात है, और बोलते हैं कि नेशनल हाईवे NH 301, हम तो ये खाली सुनने से अच्छा नहीं लगता है, प्रैक्टिकली आप आ जाए और जानकर विजिट करें कि हाईवे लगता है कि एक कचरा लगता है। चलिए स्पाल्डर आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आशा करेंगे जो आपने समस्याएं वहां पे गिनवाई है वो आपके एमपी साहब तक पहुंचे और वो वहां पे जरूर आए और वहां का दौरा करें, आपकी इन समस्याओं का हल भी जरूर करें। तो ऑल जनस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट थे वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि इस तरीके से जनस्कार में जो लोग हैं वो परेशान हैं, काफ़ी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर इंटरनेट की बात करें तो वो ना के बराबर है, इंटरनेट तो छोड़िए, अगर फ़ोन की बात करें तो फ़ोन भी वहां पे उपलब्ध नहीं है, सैटेलाइट फ़ोन नहीं है, आपस में वो रابطہ एक दूसरे से नहीं कर सकते। जो जम्मू में लोग हैं या जम्मू के बाहर हैं वो अगर जनस्कार में किसी से बात करना चाहते हैं तो वहां पे वो नहीं बात कर सकते। कई ऐसी परेशानी है जो पलदान ने गिनवाई, हॉस्पिटल की परेशानी है, वहां पे मूलभूत सुविधाएं हॉस्पिटल की नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है वहां पर, तो कई परेशानियां उनके द्वारा गिनाई गई। और आपको बता दें कि एमपी जम्यांग सरेंगे वही एमपी हैं जिन्होंने संसद में कई बयान दिए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये बयान 6/8/2019 का है, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर कुछ मंत्री मिसलीड करते हैं, उन्हें वहाँ की डेमोग्राफिक सिचुएशन, जियोग्राफिक सिचुएशन लद्दाख की नहीं पता, कारगिल की नहीं पता, तो वो
अब ये समझना होगा कि आप वो मिसलीड कर रहे हैं कि यहां वहां के दर्शक मिसलीड है, वहां के लोग मिसलीड हैं, कि कौन मिसलीड है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक को पनाह देने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान पर बिना उसका नाम लिए निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी पिछली सरकारों पर भी बरसे और कहा कि पिछली सरकारों में 370 हटाने की हिम्मत नहीं थी। साथ ही पीएम मोदी ने सीए को लेकर भी कई बातें कही, और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने वो आपको सुनाते हैं। स्वतंत्र भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों से ये वादा किया था, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधी जी की भी थी, यही 1950 में नेहरू लियाकत जो करार हुए उस समझौते की भी भावना थी। इन देशों में जिन लोगों पर उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, भारत का दायित्व था उनको शरण दें। लेकिन इस विषय से और ऐसे हजारों लोगों से मुंह फेर लिया गया, ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। आखिर किसके हितों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग? क्यों इन लोगों को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? सिर्फ आस्था की वजह से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनका अपहरण होता है, इन सबको क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं? जवाब दे ये लोग। साथियों, इनमें से कुछ लोग दलितों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलितों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं। जब देश आजाद हुआ, तब से कश्मीर में समस्या बनी हुई है। वहां की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? तीन चार परिवार और तीन चार दल और सभी का जोर समस्या को समाप्त करने में नहीं, बल्कि समस्या को पालने पोसने, उसे जिंदा रखने में लगा रहा। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर को आतंक ने तबाह कर दिया। आतंकवादियों के हाथों हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं, कहीं पर वहीं के रहने वालों को, लाखों लोगों को एक रात में घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने को मजबूर कर दिया गया, और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आतंकियों की हिम्मत बढ़ाने वाली यही सोच थी। सरकार को, प्रशासन को कमजोर करने वाली यही सोच थी। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थाई है,
संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थाई है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थाई था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन तीन युद्ध हार चुका है, हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। चलिए बढ़ते आगे। बर्फ की चादर से कश्मीर वादी पूरी तरह से सफेद हो गई है और कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी भी है। वहीं आम लोगों को इस बर्फबारी से परेशानी भी हो रही है क्योंकि रोड के चारों ओर बारी बर्फ जम गई है और लोगों को सामान लाने और ले जाने में बेहद दिक्कत हो रही है और कई चीजों की शॉर्टेज बर्फबारी के कारण फिर से एक बार शुरू हो गई है। बात अगर जम्मू की करें तो जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में बारिश की फुहारों से आज जम्मू में भी आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त रहा और बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ी। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बार बार वादित होने से लोग भी परेशान हो रहे हैं और ट्रैफिक महकमे के जारी आदेश के मुताबिक जोहार टनल और टनल के पार बर्फबारी से हुई फिसलन के कारण आज भी हाईवे पर यातायात को इजाजत नहीं दी गई। हालांकि कुछ फंसी गाड़ियों को कुछ देर के लिए निकाला गया था लेकिन बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा। चलिए आपको बता दें कि बर्फबारी के कारण एक बार फिर से यातायात बंद हो गया। जम्मू के कई इलाकों में बारिश हुई जिससे वहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पे बर्फबारी हुई और नेशनल हाईवे को एक बार फिर से बंद करना पड़ा। नदीम इकबाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीद हम आपसे नदीम यही जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या हाईवे खोला गया है, खोला जाएगा, कब तक खोला जाएगा, ये जानकारी आपसे समझना चाहेंगे। जी सौरभ, देखिए जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, सबसे पहले आज के दिन की अगर बात करें तो मौसम, अभी अगर हम बात करें अभी रामबन बानिहाल सेक्टर में जहां अक्सर देखते हैं कि पत्ते और पत्थर गिरने का सिलसिला तो देखने को मिलता है, लेकिन आज उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ आज जवाहर टनल के दोनों अतराफ में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा स्लिपरी कंडीशन है। उस दौरान भी क्योंकि हमने देखा ट्रैफिक पुलिस ने वहां पे क्लियरेंस का काम शुरू किया गया, कुछ गाड़ियां क्योंकि आज ट्रैफिक प्लान के अकॉर्डिंगली गाड़ियों को जम्मू से कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत थी तो कुछ गाड़ियां वहां पे धर्मांधा होकर रह गई थी, उन्हें वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। लेकिन फ्रेश ट्रैफिक को जहां उधमपुर से गाड़ियों को छोड़ा जाना था, नगरोटा से गाड़ियों को छोड़ा जाना था, उन गाड़ियों को अभी चलने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जहां तक हम बात करें वो अभी भी जारी है। और इस बीच क्योंकि सुबह और अभी का अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त ज्यादा बारिश हो रही है और ये अगर ज्यादा बारिश तेज होती है क्योंकि एक तरफ तो बर्फबारी हो रही है तो काफी ज्यादा नेशनल हाईवे पर मुश्किल पैदा हो सकती है ड्राइवर्स के लिए, लोगों को चलने के लिए। जिस जहां तक हमारी आईजी ट्रैफिक टी नंगियाल से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जैसे ही मौसम साफ होता है और उसके बाद रोड सिचुएशन को देखते हुए ही जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है चाहे वो उधमपुर में हो या तरहनी में हो रामपुर में हो, उन्हें उसके बाद ही रोड क्लियर है और वेदर कंडीशन को देखते हुए उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। चलिए नदीम, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। नदीम हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि अभी भी वहां पे रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। आने वाले टाइम पे जिस तरीके से ट्रैफिक महकमे से उन्होंने उनसे बात की, उनका यही कहना है जब वहां पे सिचुएशन अनुकूल हो जाएगी फिर वहां पे यातायात के लिए एक बार फिर से नेशनल हाईवे खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपनी इस पूंजी को बर्बाद कर रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी इस देश के लिए जो कर सकती है वह उसे करने नहीं दिया जा रहा। बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपनी पूंजी को जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आप जो इस देश के लिए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसे आपकी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री होने नहीं दे रहे। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन पिछले साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री रोजगार के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करते। पिछले साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। फिर से दोहरा देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी,
पिछले साल 1 करोड़ युवाओं ने इस देश में रोजगार खोया है, और जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं लंबे लंबे भाषण देते हैं, एनआरसी की बात होगी, सीएए की बात होगी, एनपीआर की बात होगी, मगर जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इस देश के हर परिवार को चुभती है, माता पिता को लगती है, युवाओं को जो दुख होता है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये हुआ क्यों? यूपीए के समय चलिए आखिरी खबर की बात करते हैं। देश को टुकड़े में बांट देने जैसे विवादित भाषण देने के बाद छिपते फिर रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। असम को भारत से अलग करने के भड़काऊ भाषण के बाद उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। आपको बता दें शर्जील इमाम ये वही आदमी है जिसे शाहीन बाग में जिसने कई बार भड़काऊ भाषण भी दिए और 5 राज्यों की पुलिस में इसके पीछे थी। 5 राज्यों में इसके ऊपर केस दर्ज किए गए थे। कोका थाना क्षेत्र के पास इसे गिरफ्तार किया गया। सीबीआई द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है और अब इसे दिल्ली लाया जाएगा। चलिए आपको चलते चलते दिखा देते हैं कि शर्जील इमाम ने क्या कुछ कहा था जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो आप सुनिए। पहले इन्होंने 70 साल से किया है, अब वक्त यह है कि हम गैर मुस्लिमों को बोले कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो व्यक्ति तो वो हमदर्द नहीं है। पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे तो उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहां डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पकड़ चलेगा, सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, मुझे इलाका है। चलिए शर्जील इमाम को आप सुन रहे थे, ये वही भड़काऊ भाषण है जो उन्होंने शाहीन बाग में दिए जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। 5 राज्यों में उसके खिलाफ केस भी दर्ज है। आपको बता दें हिंसा बढ़ाने का और साथ ही साथ देशद्रोह का और भड़काऊ भाषण देने का उस पर आरोप है और उसकी गिरफ्तारी हो गई है। क्राइम ब्रांच ने उसकी गिरफ्तारी की है और उसको अब जल्द ही दिल्ली लाया जाएगा। तो चलिए 5 के 5 में अब यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस की राष्ट्र